गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सबका खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। तहसील खड़ी के मंजूस इलाके से आपके सामने मौजूद हूं। मैं आपको बताता चलूं कि इस इलाके में मैंने मुतदीद जगह पे लोगों के साथ बात की। इस लाइव प्रोग्राम के बगैर भी कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जमीनी सतह पे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। कहीं पे लोग ये शिकायत करते हैं कि अरसा 20 साल से 25 साल से बिजली के एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं और बिजली का निज़ाम जो है वो उस मयार का नहीं है जिसका कि महकमा PDD बनिहाल दावा कर रहा है। कई लोगों ने यहाँ पे, एक बुजुर्ग खातून ने आंसू भी बहाए। उनका मानना है कि गरीबी जो है हर समय उनके दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन महकमा जात की जानिब से उनको कोई भी राहत नहीं है। और ऐसे ही हमने मंजूस के इलाके में मुतदीद गरीब फैमिलीज के साथ बात की और जिनका मानना है कि उनको यानी इसमें जो है मकानों की लिस्ट में छोड़ा गया है। और ऐसे में सवाल ये, प्रधानमंत्री की जानिब से जो गाइडलाइन है कि अगर किसी के पास मकान नहीं है, हाउसलेस है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे मकान मिलेगा और उसके पास सेकंड प्रायोरिटी पे उन लोगों को सरकार की जानिब से महकमा रूरल डेवलपमेंट के जरिए मकान दिया जाता है जिनका मकान बिल्कुल कच्चा है या जिसे हम कोठा कहते हैं। लेकिन मंजूस के इलाके में जिन मकानात का भी मैंने जायजा देखा उसमें वाकईतन जो है उन लोगों को इग्नोर किया गया है, उनको ना जियो टैगिंग हुई है और ना उन्हें कोई किस्त दी गई है। ऐसे में सवाल ये कि जहां पर गाइडलाइन में ये कहा जा रहा है कि अब सभी लोग गरीब लोगों को मकानात से नवाजा जाएगा तो ये उन गरीबों का पैसा जो है किन लोगों को दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस खड़ी तहसील के मंजूस इलाके में एक इफेक्टिव सर्वे फिर से करने की जरूरत है? क्या गरीब लोगों के वो जो आंसू हैं क्या उसको पहुंचने की जरूरत है ताकि उनको जमीनी सतह पे वो सारी फैसिलिटी मिले, वो इंसाफ मिले जिसके लिए वो हकदार है या जिसके लिए सरकार ये गाइडलाइन मुकर्रर करती है? लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आप नाम बता दीजिए सर। और सुनिए, मैंने कई मकानात का जायजा देखा, आप सभी लोग साथ थे, जहां जहां पे रिकॉर्डेड पहले मैंने प्रोग्राम किया, सभी लोग कहते हैं कि हमें मकान नहीं दिया गया, वजह क्या है? सर असली जो वजह है इसका है, ये जनता जो है ये वन साइड नहीं होती है। जब जनता चार साइड चले जाते हैं, कोई BJP के साथ जाता है, कोई और किसी के साथ जाते हैं, जो बाकी लोग जो खड़पच रहने चाहते हैं, जो पुराने जमे हुए जो गुंडे हैं वो लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, वो अपने अपने वोटरों के काम उठाते हैं, जो बाहर वोटर होते हैं उनको छोड़ा जाता है। उनकी जो वीडियोशिप जो है ब्लॉकशिप में, ये मिलवस है, ब्लॉकशिप में ये बयान करते हैं कि क्योंकि आगे उन्होंने ही देने हैं पचू और सरपचू ने, वो जब बयान देते हैं कि भाई जिस डाटा का हम आपका नाम देंगे उन्हीं डाटा का मकान उठाया जाएगा, जब वो अपनी टिकट लेके वहां पहुंचता है तो वीडियो भी वगैरह वगैरह टालते हैं, उधर का इधर का हो जाएगा, लेकिन किसी का काम उस तरह होता नहीं है। गरीब उठ उठ कर चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज कोई सुनता नहीं है। ये जनाब आरिफ वहीद साहब को मैं 5-10 दिन से फोन करता हूँ कि आप आ जाओ मंजूस की सिचुएशन देखो। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, वोटर हूँ मैं, BJP का भी बंदा हूँ, जब BJP का टाइम आता है तो मैं BJP के साथ चले जाता हूँ, लेकिन इसी वजह से ये लोग रहते हैं कि ये BJP के साथ चले गया, ये फलाने धंधे के साथ चले गया। जब हम किसी को अग्रचार करते हैं भाई कुछ न कुछ करो, बोलते हैं भाई उन्हीं को बोलो BJP वालों को, हमें सरपंचू खड़पंचू से लेना है फिलहाल, पंचू वगैरह उसी हिसाब कि भाई आप पैच बनाए इन लोगों ने, अगर हम लोगों ने नहीं बनाए आप बाकी लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इनका गौर तो करो, अगर एक साइड जनता चलाई जाएगी तो हिंदुस्तान वोटिंग क्यों करेंगे? ये हिंदुस्तानी लोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के वोटर नहीं है ये लोग। अगर हिंदुस्तान बोलता है ये न्यूजीलैंड के रहने वाले है, ये बांग्लादेशी है, तो इनको कुछ मत दे दो। हम बार बार DC साहब से आवाज करेंगे कि DC साहब आप इस मसले को हल करो, गरीबों की बात सुनो, अगर न सुनेंगे तो हम मजीद कदम उठाने के लिए तैयार है। जैसे भी मैंने तकबीर बांधे, लोग जिहाद करते हैं, ऐसे जिहाद नहीं होते, हम गरीब का जिहाद करते हैं, जब हम जिहाद करेंगे अल्लाह के रजाई के लिए हम पूरा करेंगे। 4-10 गुंडे जुड़े हैं, तहसील खड़ी के अंदर 40-85 गुंडे हैं, इन गुंडों ने लाखों लोगों को तहस नहस कर दिया है। जब तक न गुंडों के खिलाफ लगाम किया जाएगी तब तक जनता कभी शांति नहीं कर पाएगी। हम DC साहब को अर्ज करते हैं कि जो भी पैसा आता है
चाहे वाटरशेड है, सौदन रोजगार है, इनको ठेकेदारी है, इसमें पैसा इनको कमीशन है, इसमें जहां 2 लाख का काम है वहां 60,000 दिया जाता है लोगों को। बाकी लोगों से भी पता करो, मैं बोर्ड दिखाऊंगा कहां कहां लगे हैं। 2 लाख के काम में 60,000 का बोर्ड, 2 लाख लिखा है उसमें, लेकिन जो पब्लिक लोग है उनको जी बता दीजिए जनाब। ये मैंने पहले सवाल वही हिसाब से पूछा कि अगर एक मास्टर 60-70 हजार रुपया तनख्वाह लेता है, उसकी जमीन अगर गिर गई तो पूरी दुनिया की तो गिरी है, उन गरीबों की जमीन भी गिर चुकी है, फिर उनकी दीवारें भी लगाओ ना। उनकी दीवारें नहीं लगाते, उन मास्टरों के खाते में चले जाते हैं, क्योंकि ये मास्टर हमारा ऑर्डर था भाई, वीडियो उधरी काम लगाना है, वीडियो मजबूर है भाई, जियो टैगिंग तो वहां हुई है। मैं अब बोलूंगा इस चाचे को जो अभी रोती थी बूढ़ी कि नहीं जियो टैगिंग यहाँ करेंगे तो सुनेगा कौन भाई, वो उन्होंने तो उधरी मिली भगत की होती है। ये वीडियो से भी मिले हैं, ये सेक्ट्री से भी मिले हैं, ये पुलिस से भी मिले हुए लोग हैं, ये आरएसएस के गुंडे हैं, इन्होंने गरीबों को जिन हराम किया है। चलिए जनाब, लोग नफरत करने के लिए तैयार। चलिए मैं कैमरामैन से कहूंगा ये व्यू दिखाए इस मकान का, और इस मकान के जो दो लोग हैं मैं उनसे आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा साइड पे चलिए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। ये एक परिवार है अपने मकान के सामने, और इनकी भी क्या कुछ फरियाद है। आप नाम बता दीजिए। सुभान साहब, आपको मकान मिला रूरल डेवलपमेंट की तरफ से? नहीं मिला। आपको मकान नहीं मिला? नहीं मिला। कख नहीं मिला, पुराना हमने बनाया। कोई उधर ऑफिस में गए थे उधर रूरल डेवलपमेंट खड़ी में? गए थे। अच्छा, क्या बोला थे? आओ कोई आओ। कुछ लोगों को पैसा डाला इधर? नहीं, कुछ नहीं। 10 रुपया। आपको कुछ नहीं डाला? तक। हाँ जी, आप इनके लड़के हैं? हाँ। बता दीजिए। सर, हम जाते हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं आपको संशय नंबर नहीं जी। जब संशय नंबर है ही नहीं तो इधर क्या हम ढूंढेंगे आपके लिए? आपके आंगन में ये जो पोल लगा है, ये जो लकड़ी का है ऐसे ऑर्डिनरी तौर पर, ये आपने खुद लगाया है? खुद लगाया। कितनी बिजली फीस आप भरते हैं? 373 रुपये। आप देख सकते हैं ये बिजली का खंभा, एक गरीब परिवार के बिल्कुल सहन में, और ऐसे में आप गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उनका चेहरा भी आप हमारे सामने देख सकते हैं। मोजी ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ। कौन डिपार्टमेंट की तरफ पाते हो, का फायदा हुई? कुछ नहीं सर, 2 साल हो गए हमने यहाँ, ये देवर दिए थे जी। आज काट दिया सर, बोलता है ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये मिलता ही नहीं, दूसरा साल हो गया इस मकान को, इधर या बहर इधर नहीं दी आपको? नहीं दिया? नहीं। चलिए, कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ मकान के इशू के बारे में। एक बुजुर्ग यहाँ पे अभी मेरे साथ बात कर रहे थे, आप इधर आइए। क्या नाम है जी आपका? गुल मोहम्मद साहब। गुल मोहम्मद नायक जी। वल्दी अहमदुल्ला नायक। आप मंजूस में ही रहते हैं? मंजूस। बताइए, आपका मकान भी मैंने देखा, आपको मकान नया मिला है? ना सर, कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? दिया ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? आया ही नहीं। ब्लॉक वाले बोल रहे हैं? ब्लॉक वाले आया ही नहीं। अच्छा, नहीं आया? नहीं आया। 3 साल हो गया 4 साल हो गया ब्लॉक में जाते हैं। अच्छा, नहीं आया, हम कहाँ से देंगे? नाजरीन, ये सारे आप देख रहे हैं, अगर आप पूरा इस कैमरा में देखेंगे छोटे छोटे, ये गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं। आप इधर आइए, आपके मकान का भी मैंने जायजा देखा, आपको मकान मिला है? ना सर, मकान नहीं मिला है। अच्छा, क्या वजह है उसकी? सर, हम गए थे ब्लॉक में सर 2-3 बार, तो मैंने कहा वहाँ हमारा मकान क्यों नहीं है, बोलते हैं सेंसिस में आपका नाम नहीं है जी, अभी आया नहीं है, पता नहीं कब साइट खुलेगी जी, उसके बाद आपको जो है पता नहीं क्या जियो टैग किया जाएगा और उसके बाद आपको मकान मिलेगा। अच्छा सर, मैंने कहा हमारा मकान क्यों नहीं आया जब सबके नाम है लिस्ट में जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर मुझे आज ही दिया जाए, लेकिन मेरा नाम तक लिस्ट में नहीं है जी। मैंने कहा मैं डीसी साहब के पास जाऊंगा, तो उन्होंने कहा रोड खुला है आप जा सकते हैं जी। तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि अगर हम मुस्तहिक है इन मकानों के जी, तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गरीबों को नजरअंदाज किया जाता है और
ऐसे लोगों को मतलब हमने यहाँ पर देखा जी कि जिनके पक्के मकान है उनको भी मकान दिए जाते हैं जी, और गरीब वहाँ पर है उनको बराए नाम एक किस्त डाल दी जाती है जी, और फिर 3 साल 4 साल भी हो जाते हैं पैसा नहीं उनको मिलता है सर जी। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि गरीब लोगों को जो है नजरअंदाज न किया जाए और उनको जो है नजरसानी की जाए, उनका पुरसान हाल किया जाए, क्योंकि गरीबों का खुदा के सिवा कोई नहीं होता है। तो सर मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब से यही गुजारिश है कि जो लोग मुस्तैक है उन तक ये जो है पहुंचना चाहिए, उनको मकान नहीं मिले हैं उनको मकान मिलने चाहिए। गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग, एक बुजुर्ग माँ आप हमारे सीध में देख सकते हैं, हमारी कॉम्पिटेंसी में होता तो हम अवलीन फुर्सत में जो है इस बुजुर्ग माँ के लिए जो है यहाँ पर मकान सेंक्शन करते हैं, लेकिन ये महकमा रूरल डेवलपमेंट के हाथ में है। आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है यानी जवानी की दहली से ही जो है फिर बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन जब गरीबी जब उनके घर पर जो है बार बार दस्तक देती है, जब राहत का काम जो है नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो है यानी उम्र गुजारने के बावजूद भी जो है उन्हें ये ख्वाब जो है पूरे नहीं होते हैं कि कहीं पे कोई महकमा भी है गरीब लोगों के लिए। और क्या कहना है आपका सर? दूसरी बात यह है, ये बिजली का खंभा आप देख रहे हैं, 25 साल से मेरे चाचे का अग्रीमेंट है सर जी, बिजली बिल आता है 373 रुपया और कभी इनको जो है खंभा मयसर नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से और खंभा जो है मयसर नहीं किया गया। बिल्कुल मैंने आपके साथ जी बिल्कुल आपके साथ मैंने इससे पहले भी बात की, वो जो 3 बच्चियां हैं जिनका आप बता रहे थे उनको भी आप यहाँ पे जरूर लाएंगे, तब तक मैं इनकी बात करूंगा। आप नाम बता दीजिए। फारूक अहमद जी, बताइए फारूक साहब। सर 3 साल से रोड लाया, 3 साल मैंने कंपनी में लगाए, 8 बच्चे हैं मेरे जी, 3 साल 2 मकान बनाए, दोनों मकान रोड की वजह से गिर चुके हैं जी। अभी 3 साल हो गए, 4 दीवारें दिए मैंने, बला का कोई पैसा 1 रुपया नहीं पड़ा, बोला आपका उधर कोई नाम ही नहीं है, नहीं आपका खाता है उधर कोई। 3 साल हो गए मैंने मकान बनाए कंपनी में लगाए, 3 साल 2 मकान बनाए, रुपए 5-8 लाख मेरे नुकसान हुए। 3 साल से अभी कोई किसी ने कोई बात नहीं सुनता, खड़ी जाता हूँ ये बीडो दफ्तर, बोलता आपकी अभी लिस्ट नहीं है, आपका नाम ही नहीं है। चलिए डिप्टी कमिश्नर रामबन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? मेरे अर्ज ये है ये डिस्ट्रिक्ट रामबन साहब से कि डिस्ट्रिक्ट साहब से जी मुझे मकान चाहिए। 3 साल से मैं छोटे छोटे बच्चे त्रपाल अभी जाएंगे सर उधर पुलिस से रास्ता है, आप देख सकते हैं मकान 3 साल हो गए मैं ऐसे। चले नाजरीन, जमीनी सतह पे हालात इंतहाई बुरी है मंजोस के इलाके में। 3 छोटी छोटी बच्चियां मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये एक परिवार की 7 बहनें हैं यानी एक वालिद के 7 बेटियां और उनमें से जो है 3 छोटी छोटी बच्चियां ये है, कुछ अब बालिग है और इन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम से पहले मेरे साथ बात की अपने मकान के साथ में कि हमें भी मकान चाहिए। और ऐसे में सवाल ये कि कम से कम वो लोग जो सर्वे करते हैं उन्हें कम से कम इस चीज का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अगर एक बाप की 7 बेटियां हैं अगर उसको सरकार की तरफ से जो है ये फैसिलिटी मिले तो कितना अच्छा होता। तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब शख्स जो मजदूरी करने वाला है, 7 बेटियां हैं, कई बेटियों की अब आने वाले समय में शादी भी हो सकती है, लेकिन मकान के लिए जो है ये भी लड़ रहे हैं। आप बेटा मकान आपको भी मकान चाहिए? आपको भी मकान चाहिए? कितनी बहने हैं आप? 7। आप पुत्र किस क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में, गुड। आप डीसी साहब से गुजारिश करेंगे मकान के लिए? क्या बताना चाहेंगे? मकान दे दो, गुड। ये इससे छोटी एक बेटी है तो कम से कम जो गाइडलाइन है उसको अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग मुस्तैक होते हैं। लेकिन अब जब मसल पावर के आधार पे या सिफारिश के आधार पे या वो लोग जो ज्यादा चलने फिरने वाले हैं अगर उनकी बात सुनी जाए तो ऐसे फिर ऐसे जो गरीब लोग हैं उनकी बात सुनेगा कौन? सवाल ये सबसे बड़ा है। एक और शख्स मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे आइए, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम नजीर अहमद नाइक है सर जी, बता दीजिए। मैं वार्ड ऐसे हूँ मुंजोस सर, हम यहाँ पे 5-10 घर हैं जो कि 2-3 साल से मतलब
ब्लॉक की तरफ से जो भी कोई शेयर है बिल्कुल हम उसे नजरअंदाज है, कुछ नहीं दिया जाता है। तो इस साल सर कुछ काम आया था, हमने एक रास्ता लिखाया था तो बोला वो डिसमिस हो गया, तो उसके बदले में लैंड लेवलिंग रखी है। तो हमने डिमांड दी और बाकी लोगों ने भी डिमांड दी, तो हमने काम किया, कोई 50-60 फुट दीवार एक बनाई। तो जब सर उन बाकी लोगों को पैसे डाले तो मैंने जेआरएफ से बोला कि ये पैसे आपने क्यों नहीं डाले, तो उसने बोला कि आप वहाँ पे जियो टैग नहीं था तो इस कारण ये मैंने जीरो कर दी। तो मैंने बोला कि अगर हम भी इसी वार्ड के एक हिस्सा है, इधर ही रहते हैं, तो ये तो मतलब हमारा हक था। तो उसने बोला नहीं, इसमें नहीं, ये तो आगे से इसकी लोकेशन होती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद सर मैं बीडीओ साहब के पास गया, क्योंकि हमारी पहुंच तो इधर ही तक है। बीडीओ साहब के पास गया मैं, मैंने कहा ऐसे ऐसे नाइंसाफी हुई है, तो ये देखिए सर, ये बीडीओ साहब के लिए मैंने लिखा था। तो उसने वहाँ बोला ये आपके पांच और सरपंच कर रहे हैं, बीडीओ साहब ने बोला। तो फिर मैं उनसे भी मिला, तो मैंने सरपंच साहब को बोला तो उसने बोला पैच को बोलो, पैच को बोला तो उसने बोला ये जीआरएस खुद करता है, मुझे इसका कोई इलम नहीं है। तो सर देखो ये मैंने एडीसी साहब के लिए लिखा था, कल मैं गया था भी और वो छुट्टी पे हैं। तो आपके माध्यम से मैं उन तक ये गुजारिश पहुंचाना चाहता हूँ कि मतलब अगर ब्लॉक के तरफ से ये कहा जाता है कि 15 दिन अगर मतलब काम नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगार भत्ता मिलेगा, लेकिन हमने काम भी किया है। और अब मतलब जमीनी सतह पर ये देखिए कि हमने 3-4 साल से मतलब कुछ भी शेयर ब्लॉक से नहीं, चाहे 14FC हो, चाहे वाटर शेड का कोई काम हो, चाहे नरेगा का काम हो, तो इसमें कुछ नहीं मिला। तो आपके माध्यम से मतलब डीसी साहब से, एडीसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर नजरसानी की जाए, क्योंकि हम किसी पैच को बना लेते हैं तो ये मतलब हमारे सामने नहीं है कि वो कि धोध से धुला हुआ है जी। तो लेकिन हमने तो बना दिया, चलो अगर हमने गलती से ही किसी को बना दिया तो उनके ऊपर भी कोई मतलब कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, हमारी पहुंच है यहाँ तो वीडियो तक, तो वो भी उन्होंने वहाँ से इनकार कर दिया, उन्होंने क्लियर बोला कि मेरे हाथ में ये नहीं है, ये वहाँ ही से करते हैं। और हमारे पैंच साहब बोलते हैं नहीं ये जीआरएस कर रहा है, तो आपके माध्यम से इसका क्या हल होगा? तो आप चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, मुख्तर बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि गरीबों का जो हाल है तो वो कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। गरीब जो बात करे तो उसको मुंह की खानी पड़ती है कि उसको 4-4, 5-5 साल आज देंगे कल देंगे। बीडीओ चाहे महकमा हो, कोई भी महकमा हो, बिजली का हो, रोड का हो, इधर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। पानी नल का है जो इधर उनका